हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुकिंग फॉर यू में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे फ्रेश हरी मिर्ची को धो करके रखा है। तो आप समझ गए होंगे आज मैं कुछ स्पाइसी और चटपटा सा बनाने जा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखें। इसमें बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आज मैं बताऊँगी आपको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। तो सबसे पहले हमने मिर्ची को काट लिया था धो के सुखाने के बाद, और उसकी जो ये मिर्ची का जो जड़ होता है वो हमने उसे नहीं हटाया था, वो उसमें लगा हुआ ही था। वॉश कर लिया था मैंने इसको, आधे घंटे के लिए धूप दिखा दिया था। आज हम मिर्ची का ये रेडी टू ईट अचार बना रहे हैं, जो कि आप 5 मिनट में बना सकते हैं और 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक मसाला रेडी किया है, जिसमें 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच किचन किंग और 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, और नमक स्वाद के अनुसार। ये 5 चीज़ों को मैंने मिला लिया है इसी चम्मच से मैंने। तो आप छोटा या बड़ा जो भी टेबल स्पून टी स्पून यूज़ करना चाहें, आप एक बार में बना के रख सकते हैं, क्योंकि मसाले सूखे रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। और जब आपका मन करेगा आप इस तरीके से अचार बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस अचार को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। और इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होगा 1 से 2 नींबू। तो 1 बड़ा नींबू लिया है मैंने, उसमें इतना लेमन का जूस निकल चुका है। और थोड़ा सा यहाँ पे लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, और कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और उसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल गर्म होने डाल दिया है। तो आइए अब हम इसको रेडी करते हैं। 1 बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लीजिए आप, या कोई भी बर्तन। और अब हम इसमें सबसे पहले नींबू का रस डालेंगे। 1 बड़ा नींबू का रस मैंने लिया है, आप चाहें तो 2 नींबू ले सकते हैं। और खट्टा के हिसाब अपने हिसाब से करना है, क्योंकि मसालों में हमने चाट मसाला मिलाया हुआ है। और अब इन मिर्ची को क्या करेंगे कि हम इस मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। तो ये नींबू काफ़ी बड़ा था, तो मुझे जितना चाहिए लेमन जूस मिल गया था। अगर आपको खट्टा ज़्यादा करना है तो आप 2 नींबू यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे अपने मिक्सिंग बाउल में डालते हैं। हमें इसमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं, मिर्ची को हमें काटना नहीं है, बस छोटे से कट लगाना है। बीच से हम उसे फाड़ लेंगे। अगर आपको बीच से नहीं फाड़ना है तो आप उसको 2 टुकड़ों में कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा दिनों तक रहेगा, तो इसलिए मैंने इस प्रोसेस को अपनाया है। तो आइए चलिए देखते हैं अब इसमें क्या ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने लेमन जूस डाला है, फिर मिर्ची डाला है, और जो अभी सूखा मसाला मैंने इसे बना कर रेडी किया है 2 से 3 चम्मच, अब मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपको एकदम से कुछ रेडी टू ईट अचार चाहिए तो कौन मार्केट जाए, कौन ले आए, तो ठीक है, ये बहुत इजी बन जाता है, जैसे आप सब्जी बनाते हैं नॉर्मल घरों में वैसे। तो इसमें 2 से 3 चम्मच मसाला ऐड किया मैंने। अब जो मैं इसमें डालूँगी वो मस्टर्ड ऑयल, ये लगभग 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, छोटी सी कटोरी में आप देख सकते हैं। इसको मिला लेंगे हम, और अब इन सभी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से मिला लेंगे। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना गर्म करना है कि जैसे हम छौंक लगाते हैं तो ये गर्म हो जाए, झाँक ना आए, क्योंकि मिर्ची का झाँक बहुत आता है, आपके नाक में चला जाएगा तो आप खांसने लग सकते हैं। तो ध्यान रहे, जो भी चिमनी या जो भी आप एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं किचन में, उसे ज़रूर याद से ऑन कर ले, अदरवाइज़ अगर घर में बच्चे हैं तो ये बहुत रिस्की है। तो एकदम से बहुत गर्म तेल में ना डालें। जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स या राई के दाने डालेंगे। और अब इस मिक्स किए हुए मसालों के साथ मिर्ची को हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो देखा आपने कितना आसान सा है ये बनाना। अब इसे एक बार हम ऊपर नीचे सौटे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आप चाहें तो इसे बिना कवर किए भी पका सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी झाग बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरी नाक में तो मैंने इसे कवर कर दिया था। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जिनके पास टाइम नहीं होता अचार बनाने का तो कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ईजी है, आप ऐसे रख के खा सकते हैं। लगभग 1 महीना तो आप आराम से खा सकते हैं। इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। याद रहे फ्रेंड्स, आंच तेज़ नहीं करना है, अगर आप मीडियम रखेंगे तो ही ये अच्छे पकेंगे, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। तो देखिए चेक करते हैं,
ये मिर्ची का जो भी अचार हम बना रहे हैं, ये मसाला इसमें इतना डालना है कि मसाला का जो भी कच्चापन है वो चला जाए, क्योंकि हम इसे धूप नहीं दिखा रहे हैं और ना ही हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो बस इतना, 2 से 3 मिनट में ये पक चुका है। अब हम इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने देंगे। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और जब तक ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, पराठों के साथ, लंच में जैसे मन करे आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही स्पाइसी होता है और तीखापन भी नहीं आता इसमें। तो फ्रेंड्स, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे आप एक डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, 1 महीने तक ये फ्रिज में खा सकते हैं। तो बेसिकली ये रेसिपी मैंने अपने नेबर से सीखी है, बहुत ही अच्छा बनाती हैं वो। तो मैंने सोचा क्यों ना ये इजी और सिंपल रेसिपी है तो एक बार ये शेयर किया जाए। तो एक बार बनाएं और अपने जो भी कमेंट्स हैं आप प्लीज़ मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुकिंग फॉर यू। आप ऐसे ही वीडियो को पसंद करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए।